यूपी में किसान नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई, जहां पर किसानों के नाम पर आम आदमी को परेशान करने का मामला सामने आया। कानपुर रोड के सभी पार्कों में किसानों ने ताला जड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतने दिनों ने इस पार्क के गेट पर ताला लगा हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी सुध क्यों नहीं है। स्मृति उपवन वनस्थली महोत्सव स्थल पार्क बंद होने से हजारों लोग यहाँ पर सैर नहीं कर पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में किसान नेताओं की गुंडागर्दी सामने आ रही है। जो तस्वीरें हैं वो गुंडागर्दी की निशानी कही जा सकती है। यहां पर किसानों ने आम आदमी को परेशान करने की ठान ली है। दरअसल कानपुर रोड के सभी पार्कों में, गौर कीजिएगा, सभी पार्कों में किसानों ने ताला लगा दिया। सवाल ये कि इतने दिनों से ये ताला जब लटका हुआ है तो लोगों की सहूलियत के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। पुलिस प्रशासन को अब तक इसकी सुध नहीं है। स्मृति उपवन वनस्थली महोत्सव, ये वो पार्क हैं जो कि बंद हो चुके हैं और इसका फायदा आम जनता नहीं उठा पा रही है। बहरहाल सवाल ये कि आखिर गुंडागर्दी करने की इजाजत किसने दी इन किसानों को? ये वाकई में किसान नेता हैं या फिर गुंडे हैं? कानपुर से कानपुर रोड के सभी पार्कों पर ताला लगा दिया गया। लखनऊ का ये पूरा मामला है, किसानों ने दो पार्कों के गेट पर ताला लगा दिया है। बड़ा सवाल इसी चीज को लेकर कि बहुत दिनों से जब ताला लटका हुआ है तो पुलिस प्रशासन यहां पर क्या कर रहा है? लोगों की सहूलियत का ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? किन वजहों से इस पार्क में ताला लगा हुआ है, यह भी एक बड़ा सवाल है। पार्कों का निर्माण अच्छे खासे पैसे खर्च करके किया जाता है, कोशिश की जाती है कि एक हरियाली रहे, लोगों को थोड़ा सा समय व्यतीत करने का मौका इन पार्कों में मिल जाए, सुबह शाम सैर हो जाए जिससे लोगों के स्वास्थ्य ठीक रहें, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या इन पार्कों का फायदा आम जनता को मिल पा रहा है? और ना मिल पाने की वजह क्या है? दरअसल कुछ किसान नेता जो कि इस पर ताला लगाए बैठे हैं, क्या कोई वाजिब मांग ऐसी है जो कि ये किसान नेता लेकर सामने आ रहे हैं, या फिर सिर्फ गुंडागर्दी के लिए ये चीजें की जा रही हैं? अविनाश मिश्र हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जितने दर्शक भी देख रहे होंगे इस खबर को, वो ये जानना चाहते होंगे कि क्या वजह आन पड़ी जिसके चलते कथित तौर पर ये किसान नेता जो हैं वो ताला लगाकर बैठ गए। देखिए, लखनऊ का जो साउथ लखनऊ है वहां पे कई आधा दर्जन ऐसे पार्क है जहाँ पे सुबह हजारों लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, योग करते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो नियमित आते हैं, लेकिन आज एक अवध किसान गुट एक यहाँ पर है, किसान यूनियन का कई गुट बटे हुए हैं, तो उन लोगों ने आज यहाँ पे सुबह से ही सबने तालाबंदी कर दी, जिसकी वजह से निराश हो गए। और जब पुलिस से बात की गई तो ऐसो आसियाना कह रहे हैं कि ये तो हम एक दो दिन आपका मौका दीजिए और ये इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक आम जो लोग हैं उनको लगता है कि जो भी कोई भी आके सुबह तालाबंदी कर देंगे, हजारों लोग जो सुबह योग और व्यायाम करते हैं, बीपी डायबिटीज के रोगी हैं जिनको नियमित डॉक्टरों ने बताया है कि आपको टहलना है, जो तो एक वातावरण जो बनाया गया है उसको जो है जिस तरह धूल दूषित किया जा रहा है, और प्रशासन नहीं थोड़ा और स्पष्ट तरीके से आपसे जानना चाहेंगे, किसान क्या कह रहे हैं, उन लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि क्यों वो इस तरह से तानाशाही कर रहे हैं या फिर इस तरह से अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर अर्जन की लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों की मांगे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला, जबकि प्राधिकरण कह रहा है कि हमें मुआवजा काफी बांट दिया है। तो इन सब शिकायतों को लेकर उनका धरना प्रदर्शन चलता है। किसान यूनियन के नाम पर कई गुट लखनऊ में बढ़ चुके हैं। अभी हाल में पिछली सरकारों में कुछ लोगों को बंद भी किया गया था, और आज कुछ ऐसे लोग थे जो उसकी आड़ में गलत कार्य करते थे, लेकिन अब जिस तरह से इस तरह माहौल खराब किया जा रहा है, रास्ता बंद कर देना, रोज मेन सड़क पे जाके जाम करना, और आज तो हद हो गई कि पार्कों को भी आज जिस तरह से निशाना बनाया गया है, जो आम सहूलियत के जो जगह है, और वो जो गार्ड था वहाँ का, वो कह रहा है कि भैया जी हम इसको खोलते हैं तो ये हमारे ऊपर हम
हमको ये लोग निशाना बना लेंगे। यानी अविनाश गुस्सा प्राधिकरण से है लेकिन जूझना आम जनता को पड़ रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन का रोल बहुत ज्यादा अहम है। प्राधिकरण के रोल को भी जानेंगे अविनाश, कि क्या प्राधिकरण कह रहा है, क्योंकि किसान की तरफ से जो मांग की जा रही है उसको लेकर क्या वाकई में विचाराधीन है, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की अभी तक कार्यप्रणाली क्या रही है इस चीज को लेकर। देखिए प्राधिकरण का ये मानना है कि ये जो मांगे हैं, क्योंकि ये जहाँ पे निर्माण हो रहा है और किसान का जो पुराने ये 20 साल या 25 साल पुराने ऐसे मामले हैं जो अब क्योंकि वो आवासीय क्षेत्र हो गए हैं, शारदा नगर हो, कानपुर रोड हो, तो जो ऐसे छूटे हुए प्लाट है तो उनको कहते हैं कि हमने मुआवजा नहीं लिया, जबकि प्राधिकरण के जो लोग हैं वो कहते हैं हमने मुआवजा दे दिया है। तो ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उसकी आड़ में भू माफिया जो किसानों के यूनियन के नाम पर जो आम लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, वहां पे जाके धरना देना, वहां की जमीनों पे कब्जा कर लेना, ये एक गलत संदेश जा रहा है। एक गैंग हो गया है ये, कुछ लोगों का, अराजक तत्वों का, भू माफियाओं का, ये एक गलत संदेश दे रहा है कि हर तरह मतलब इस तरह से पीड़ित करना लोगों को, आम लोगों को। भाई किसान यूनियन का जो मामला है उसका एक सिस्टम है, उसकी एक एक जाहिर तौर पर, और उस सिस्टम से अलग हटकर जब काम किया जा रहा है तो आम जनता परेशान हो रही है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द इस तानाशाही को खत्म करवाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर किसानों की वाकई में कोई मांग है प्राधिकरण को लेकर तो वो प्राधिकरण तक सीमित रहे, आम जनता उससे क्यों जूझे।